बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स के आला, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरी से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो शेयर करने लगा हूँ। छोटा सा माइनर सा मसला है जो बाज़ का कुछ लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। मेरे पास अभी ये सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, डेल का 10th जनरेशन लैपटॉप है। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसको जैसे मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ, अभी मैंने ये लैपटॉप को ऑन किया है, ऑन करने के बाद जैसे ही ये डेल का लोगो देगा, ये जैसे ही ये लोगो देता है, लोगो पे आके ये डेल का लैपटॉप जो है ये स्टक हो जाता है। मतलब कि इससे आगे इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ, ये प्रॉब्लम अगर इसके साथ का कोई HP का लैपटॉप है, HP का लैपटॉप इसी तरह अगर आप ऑन करते हैं तो HP के लोगो पे आके वो लैपटॉप स्टक हो जाता है, यहाँ से आगे इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। इसी तरह भी आपके सामने जिस तरह ये डेल का लैपटॉप लगा हुआ है, डेल का लोगो आया हुआ, यहाँ से आगे इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये मूवमेंट बेसिकली होती है हार्ड ड्राइव जब आपकी ख़राब हो जाए या हार्ड का मीडिया प्रॉपर रीड ना कर रहा हो, क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम करेगी तो उस हार्ड प्रॉब्लम करने की वजह से आपका जो लैपटॉप है या कोई भी डेस्कटॉप सिस्टम है, ले ले उसको, वो लोगो पे आके जब तक हार्ड के एंड से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। अभी बेसिकली ये सिस्टम यहाँ पे स्टक इस वजह से हुआ हुआ है क्योंकि लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ नहीं पा रहा, और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस वजह से नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि आपकी हार्ड ख़राब है, हार्ड फॉल्टी है। हार्ड फॉल्टी होने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लैपटॉप है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे आके सिस्टम को स्टक कर रहे हैं। मतलब कि इसका कहने का ये है कि अभी इस लैपटॉप की सिर्फ हार्ड फॉल्टी है, जिसकी वजह से हार्ड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, हार्ड का मीडिया जो है वो डैमेज होने की वजह से हार्ड रेडी पे नहीं है। तो हार्ड रेडी पे ना होने की वजह से आपका लैपटॉप इससे आगे किसी भी मूवमेंट में नहीं जाएगा। आप सिर्फ सिंपल हार्ड को चेंज करें और अपना दिन काम चलाएँ। तो ये छोटी सी वीडियो मेरा शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी भी लैपटॉप में या किसी भी डेस्कटॉप में इस किस्म का मसला आए तो आप चेक कर ले हार्ड के एंड पे कहीं आपकी हार्ड फॉल्टी तो नहीं है। एक तो हार्ड के मीडिया की आपको बाकायदा आवाज़ आएगी, मीडिया की जो माइनर सी आवाज़ होती है, टिक टिक की आवाज़, या फिर हार्ड की डेड की आवाज़ आएगी। तो बेसिकली इस वक्त जो इशू है वो इशू यही है कि इसका हार्ड ड्राइव का मसला है। हार्ड ड्राइव का मसला होने की वजह से ये जो लैपटॉप है इससे आगे किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मसला छोटा सा है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं। हार्ड ड्राइव आप चेंज करेंगे तो आपका दिन मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये सही था कि कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ या डेस्कटॉप ऑन करता हूँ तो डेल का है, HP का है, लोगों पर आके आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टक हो जाता है, जिस तरह भी स्टिल अभी डेल के लोगों पे स्टक हुआ है। तो हार्ड चेंज करें और अपना काम जारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।